जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अध्याय 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 6। इसके पहले हमने 5 क्लास आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसमें पहले क्लास में हमने बात किया था कि वंशागति क्या होती है और विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता के प्रकार कितने होते हैं इसको बताया था। साथ में हमने उसी क्लास में आपको बताया था कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। उसके बाद जो दूसरी क्लास थी वहां पर हमने बताया था एक गुण संकरण के बारे में, दैट मींस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में वहां पर हमने बताया था। फिर उसके बाद तीसरी क्लास में हमने बात की थी द्विगुण संकरण, जिसको हम बहुगुण संकरण भी कहते हैं, दैट मींस हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड जिसको हम मल्टीपल हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं उसको भी बताया था। देन उसके बाद जो हमारी चौथी क्लास थी उस क्लास में हमने बताया था मेंडल के नियम के बारे में, जिसको हम आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मेंडल के 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों के बारे में हमने क्लास 4 में बताया था। और पांचवी जो क्लास थी, पांचवी क्लास में हमने मेंडल के इन तीनों नियमों से परे कुछ और भी नियम होते हैं उनको बताया था। दैट मीन्स हमने वहां पर बताया था कि व्युत्क्रम संकरण के बारे में, दैट मीन्स रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में बताया था, बैक क्रॉस जिसको हम पूर्वज क्रॉस या प्रतीप क्रॉस कहते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद हमने बताया था परीक्षण संकरण, ठीक है, यानी कि टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया था। अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 में, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियम से विचलन, यानी कि कुछ ऐसे भी नियम हैं, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो कि मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम से विचलन, मेंडल के नियम से मेंडल के नियम से विचलन। तो कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि मेंडल के नियम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंडल के नियम से विचलन का। ठीक है, ये हमारा 6वां क्लास है। 6वें क्लास में एक नए हेडिंग को पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। नया टॉपिक जो हमारा है वो है मेंडल के नियम से विचलन। ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है। क्या है? मेंडल के नियम से विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन का मतलब होता है किसी के दिए गए नियम को फॉलो न करके अपना एक अलग लक्षण प्रदर्शित करना, अपना एक अलग रिजल्ट देना। जब कोई पौधा या जीव मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, मेंडल के नियम का पालन नहीं करता है, तो वहां पर एक अलग प्रकार का रिजल्ट मिलता है, एक अलग प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि नियम से जो विचलन है उसमें कौन कौन से नियम आते हैं। तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। फिर नंबर 2 पर आता है बहुविकल्पता, बहुविकल्पता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। नंबर 3 पर आता है सहप्रभाविता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, ये 3 ऐसे रूल हैं जो कि मेंडल के नियम से विचलित हैं, मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इनके अंदर चलिए हम नंबर 1 पर बात कर लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता को। किस पे बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं अपूर्ण, नंबर 1 पर अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता जिसको हम इन कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यहां पर हम बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, और मेंडल ने जो नियम दिया था वो था प्रभाविता का नियम। मेंडल ने किसका नियम दिया था?
मेंडल ने नियम दिया था प्रभाविता का, और मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जब एक प्रभावी लक्षण वाला जीन एक अप्रभावी लक्षण वाले जीन के साथ संकरण करता है, ठीक है, संकरण करता है, तो जो यफ1 पीढ़ी में संतति बनती है, यफ1 पीढ़ी में जो पौधा मिलता है, उसमें जो प्रभावी लक्षण वाला जीन होता है उसी का लक्षण प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल टी प्रभावी है और ये स्मॉल टी अप्रभावी है। जब इन दोनों का बीच में हम जब संकरण कराएंगे, आपस में जब इन दोनों के हम क्रॉस कराएंगे, तब जो हमें यफ1 पीढ़ी में रिजल्ट मिलेगी, उस पीढ़ी में केवल कैपिटल टी को देखेंगे, कैपिटल टी प्रभावी लक्षण वाले का जीन है, तो यहां पर जो प्रभावी होगा वो कैपिटल टी होगा। तो कैपिटल टी लंबा के लिए है, स्मॉल टी जो है वो बौना के लिए है। तो कैपिटल टी है तो ये कैपिटल टी प्रभावी है, तो प्रभावी है कैपिटल टी, तो इसलिए ये जो यफ1 पीढ़ी होगा इसमें जो पौधा मिलेगा वो लंबा किस्म का होगा, इस पौधे का जो लक्षण होगा वो लंबा होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। तो यहां पर न पौधा लंबा होगा न बौना होगा, यहां पर एक अलग ही प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अपूर्ण प्रभाविता में ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो आते हैं। तो नंबर एक पर अगर हम बात कर ले अपूर्ण प्रभाविता में, तो इसमें उपस्थित होता है मीठी मटर जिसको हम लैंथेरस ओडोरेटस के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्नैप ड्रैगन। नंबर तीन पर आता है आपका गुलाब बांस, जिसको हम इंग्लिश में 4 o'clock के नाम से भी जानते हैं, मिराबलिस जलापा या फिर 4 o'clock के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? 4 o'clock, ठीक है। तो अगर हम अपूर्ण प्रभाविता में एक उदाहरण ले मीठी मटर का, तो मीठी मटर के एक लक्षण का हम उदाहरण लेते हैं, यानी कि पुष्पों के रंग का, ठीक है, पुष्पों के रंग का उदाहरण ले, तो पुष्प के जो रंग होते हैं मेंडल के नियम के अनुसार किसी भी लक्षण का दो रूप होता है, एक रूप होता है प्रभावी और दूसरा रूप होता है अप्रभावी, ठीक है, अगर हम मीठी मटर के लक्षण में पुष्पों के रंग की बात करें तो प्रभावी जो होगा पुष्प का रंग वो हो जाएगा लाल, ठीक है, लाल, और जो अप्रभावी है उसमें हम रखेंगे सफेद को, ठीक है, लाल और सफेद। लाल को जो हम प्रदर्शित करने वाला जीन होता है, लाल लक्षण को जो प्रदर्शित करने वाला जीन होता है वो होता है कैपिटल आर, क्योंकि लाल को इंग्लिश में हम रेड कहते हैं और रेड का जो पहला स्पेलिंग है वो है कैपिटल आर, तो इसलिए इसको जो प्रभावित करने वाला जीन होगा वो कैपिटल आर होगा। और ध्यान रखिए जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जीन होता है वो गुणसूत्र में पाया जाता है। तो लाल को प्रदर्शित करने वाला जो जीन होगा वो होगा कैपिटल आर। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो सफेद होगा इसका स्पेलिंग होगा इंग्लिश में व्हाइट, लेकिन इसका जो प्रदर्शित करने वाला जीन होगा वो स्मॉल डब्ल्यू या फिर कैपिटल डब्ल्यू नहीं होगा। हमने पहले क्लास में बताया था कि जो प्रभावी लक्षण का जीन होता है उसी का जो स्मॉल लेटर होता है वो अप्रभावी लक्षण का जीन होता है। तो यहां पर कैपिटल आर है, तो इस अप्रभावी लक्षण का जो जीन होगा वो होगा स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो जीन मिल गया, ठीक है, ये जो सफेद और लाल है ये है जनक और ये हमको मिला जीन जिसको हम एलील कहते हैं, ठीक है, मेंडल ने जीन की जगह पर कारक का नाम दिया था। अब हमको जनक मिल गए, जीन भी पता चल गया कि किस जीन की उपस्थिति से इनका ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनका युग्मक निकालेंगे। कैपिटल आर है तो केवल एक ही को हम आगे बढ़ाएंगे जीन को, कैपिटल आर। इधर से स्मॉल आर है तो ठीक उसी प्रकार हम केवल एक ही को आगे बढ़ाएंगे,
स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच हम संकरण कराएंगे। कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच जब हम संकरण कराएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप कहेंगे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता है, तो आपको देखने में लगेगा प्रभाविता के नियम के जैसे कि इसमें जो कैपिटल आर है वो प्रभावी है। ठीक है, कैपिटल आर जो है वो प्रभावी है, तो इस प्रकार से ये जो होगा वो पौधा लाल होगा। ठीक है, ये पौधा लाल होगा, लेकिन ये पौधा लाल न होकर के, इस पौधे का जो पुष्प है वो लाल न होकर के एक अलग प्रकार का रंग देगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेंडल से विचलन, मेंडल के नियम से विचलन को पढ़ रहे हैं, और उसमें हम पढ़ रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। यानी कि न तो लाल लक्षण प्रभावी होगा न तो सफेद लक्षण प्रभावी होगा। यहां पर दोनों का अगर हम जब संकरण कराते हैं तो एक अलग प्रकार का रंग मिलता है पुष्प का, वो जो रंग होगा वो पुष्प का रंग होगा गुलाबी। ठीक है, गुलाबी रंग का पुष्प हमको देखने को मिलेगा F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में हमें गुलाबी रंग का पुष्प देखने को मिल जाता है। स्पष्ट हुआ? तो मैंने क्या बताया, मटर के पौधे का एग्जाम्पल लिया, मटर के पौधे के हमने एक लक्षण को लिया यानी कि पुष्प के रंग को लिया। मेंडल के नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण के दो रूप होते हैं, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। ठीक, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। प्रभावी में हमने लाल को रखा, डेट मीन्स रेड को रखा, और अप्रभावी में हमने सफेद को रखा, डेट मीन्स व्हाइट को रखा। सफेद रंग के लिए जो प्रभावी जीन होते हैं वो होते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर, और जो लाल रंग के लिए प्रभावी जीन होता है वो होता है कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, अब हम इस कैपिटल आर का हम जब युग्मक निकालेंगे, गैमेट निकालेंगे, तो वहां पर हम केवल एक ही आर को लेंगे। उसी प्रकार जब हम इस स्मॉल आर जीन का युग्मक निकालेंगे तो केवल एक ही आर स्मॉल आर को लेंगे। जब हम इन दोनों का संकरण कराएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर का संकरण कराएंगे, तो संकरण के दौरान हमें एक अलग रंग के पुष्प को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस पुष्प का जो रंग मिलेगा हमको मिलेगा गुलाबी रंग, और ये यहां से स्पष्ट होता है कि ये जो नियम है मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, मेंडल के नियम का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ये पहला हुआ अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो चलिए अब हम दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं बहुविकल्पता के बारे में। नंबर दो, बहु विकल्पता इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि बहु विकल्पता क्या होती है? बहु विकल्पता नाम से पता चल रहा है बहुत से एलील। ठीक है, बहुत से, बहु मतलब बहुत से, बहुत, फिर विकल्पता है बहुत से विकल्प होते हैं, इसके अनुसार बहुत से विकल्प होते हैं। मेंडल ने क्या बताया था कि प्रत्येक लक्षण के दो रूप होते हैं, प्रत्येक लक्षण के दो रूप होते हैं, लेकिन मेंडल के विचलन के नियम में हमने देखा कि एक ही लक्षण के कई रूप दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें मानव रुधिर वर्ग, मानव रुधिर वर्ग, मानव रुधिर वर्ग की अगर हम बात करें तो मानव रुधिर वर्ग के चार प्रकार होते हैं। ठीक है, मानव रुधिर वर्ग चार प्रकार का होता है, कौन कौन सा? नंबर एक पर आता है रुधिर वर्ग ए, फिर रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ए ओ सॉरी ओ रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। तो है ना बहुविकल्पता, यानी कि यहां पर बहुत से विकल्प है एक ही लक्षण के, है तो सब खून ही, है तो सब रुधिर ही, लेकिन इनके जो प्रकार हैं वो कई प्रकार हैं। ठीक है, रुधिर वर्ग ए प्रकार का भी हो सकता है, रुधिर वर्ग बी प्रकार का भी हो सकता है, रुधिर वर्ग ए बी
दोनों प्रकार का हो सकता है, ए भी प्रकार का भी हो सकता है और रुधिर वर्ग ओ प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत से विकल्प हैं एक ही लक्षण के। वो कौन सा जीन है? ठीक है, मानव रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जीन। तो मानव रुधिर वर्ग, मानव रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जीन जो होता है वो होता है कैपिटल आई। मानव रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जो जीन होता है वो होता है कैपिटल आई। ठीक है, और ध्यान रखिए जीन जो होता है वो हमेशा जोड़े में, जीन को हमेशा हम जोड़े में लिखते हैं क्योंकि जो गुणसूत्र होता है वो हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, गुणसूत्र जो होता है वो हमेशा पेयर में होता है। तो जो देखिए दोस्तों, जो कैपिटल आई है इसके भी तीन रूप हैं। ठीक है, इसके भी तीन रूप हैं। कौन कौन से तीन रूप हैं इसको जानिए। पहला जो रूप होगा वो होगा कैपिटल आई ए, दूसरा जो होगा वो होगा कैपिटल आई बी, और जो तीसरा होगा एंड जो थर्ड होगा वो होगा स्मॉल आई या फिर आई ओ या फिर आई फिर जीरो कहते हैं। ठीक है, ये इस कैपिटल आई जीन के तीन रूप हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो कैपिटल आई ए है और कैपिटल आई बी है ये दोनों प्रभावी हैं, डोमिनेंट हैं इस कैपिटल स्मॉल आई पर, इस स्मॉल आई पर दोनों प्रभावी हैं, दोनों प्रभावी हैं। तो कैपिटल आई लिखो या फिर आई जीरो लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, तो हम इसको मिटा देते हैं, केवल एक ही को रखते हैं स्मॉल आई को, या फिर आप कहें तो कैपिटल आई जीरो को हम रख देते हैं। ठीक है, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी जो है वो प्रभावी है कैपिटल आई जीरो पर। ठीक है, तो अब याद रखिए कि जो कैपिटल आई ए होता है, कैपिटल आई ए होता है वो कौन सा रुधिर वर्ग बनाता है? कैपिटल आई ए जो रुधिर वर्ग बनाता है वो ए बनाता है, कैपिटल आई जो रुधिर वर्ग बनाता है वो बी बनाता है, कैपिटल आई जीरो जो होता है वो प्रभावी होता है। जो रुधिर वर्ग ओ होगा, रुधिर वर्ग जब ओ होगा वो बनेगा जब कैपिटल आई होमोजाइगस होंगे। ठीक है, होमोजाइगस रहेंगे तब जाकर के रुधिर वर्ग ओ बनेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कुछ और भी नियम रुधिर वर्ग बनाने का। हमने जान लिया कि कैपिटल आई ए क्योंकि जो जीन होता है, जो गुणसूत्र होता है वो हमेशा पेयर में होता है, जब कैपिटल आई ए रहेगा तो जो रुधिर वर्ग मिलेगा वो मिलेगा ए, जब कैपिटल आई ए आई जीरो रहेगा या फिर स्मॉल आई रहेगा तब पर भी जो रुधिर वर्ग होगा वो मिलेगा कैपिटल ए, जब कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल कैपिटल आई के ऊपर बी कैपिटल आई बी होगा तो जो रुधिर वर्ग मिलेगा वो मिलेगा बी, और जब कैपिटल आई बी और आई जीरो होगा तब भी रुधिर वर्ग मिलेगा बी। अब याद रखिए कि जब कैपिटल आई जीरो होगा तब जाकर के जो रुधिर वर्ग मिलेगा वो मिलेगा ओ, जब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तब हमें रुधिर वर्ग ओ मिलता है। और एक बात ध्यान रखिए, हमको कैपिटल आई वाला जीन देख लिया, कैपिटल आई ए वाला जीन देखा, कैपिटल आई बी वाला जीन देखा, जिससे हमें रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग बी मिला। अब बचा है रुधिर वर्ग ए बी, जब कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी होगा तो रुधिर वर्ग जो होगा वो होगा ए बी, कैपिटल आई बी या फिर कैपिटल आई ए होगा तब पर भी रुधिर वर्ग ए बी होगा। ठीक है, ये रुधिर वर्ग के जीन है। दो जीन है, कैपिटल आई जीरो जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है ब्लड ग्रुप ए के लिए। कैपिटल आई जीरो जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लड ग्रुप बी के लिए, और जो कैपिटल आई ए ये जो जिम्मेदार जो जीन है वो ए बी के लिए है। फिर उसके बाद जब होमोजाइगस कंडीशन होगा, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन होगा
कैपिटल आई जीरो तब जाकर के ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। तो अब यहां से हमको देखना है मेंडल के नियम का विचलन, ठीक है, मेंडल के नियम का विचलन कैसे होता है, ठीक है। तो बहुविकल्पता में हम देखेंगे कि जो लक्षण है, ठीक है, जो लक्षण है वो दोनों लक्षण एक साथ प्रदर्शित होंगे अपने संतति में। मान लीजिए किसी पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, किसी पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, ठीक है। पिता का ब्लड ग्रुप ए, माता का ब्लड ग्रुप ए। अब हम इनसे यहां से युग्मक निकालेंगे, कैपिटल ए आई कर लेंगे, इसको हम कैपिटल आई बी कर लेंगे, ठीक है। यहां से जो हम युग्मक निकालेंगे वो एक को हम आगे ले जाएंगे कैपिटल आई ए, और यहां से हम आगे ले जाएंगे कैपिटल आई बी को। जब हम इन दोनों का आपस में क्रॉस कराते हैं, ठीक है, संकरण कराते हैं, तो हमें मिल जाता है कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, ठीक है। तो कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी जीन जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो यहां पर देखिए कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, तो क्या मिला, जो ब्लड ग्रुप मिला वो मिला ए बी, तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी, संतान में जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा ए बी। तो देखिए यहां पर पता चलता है कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी है ये अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से अपने संतान में दिखा रहे हैं, दोनों का लक्षण अपने संतान में प्रदर्शित हो रहा है, तो ब्लड ग्रुप ए बी हुआ, ठीक है। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं सहप्रभाविता को, सहप्रभाविता, सहप्रभाविता और बहुविकल्पता जो दोनों हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सहप्रभाविता यानी कि साथ साथ अपने लक्षण को दर्शाना, सहप्रभाविता यानी कि एक साथ अपने लक्षण को प्रदर्शित करना, कैसे कि उदाहरण में हम फिर से ले लेते हैं इसी ब्लड ग्रुप का ही, पिता का जो रुधिर वर्ग है वो है ए, ठीक है, ए, तो ये कैपिटल आई जीरो करो या फिर कैपिटल आई ए करो तो ब्लड ग्रुप ए ही बनता है, ठीक है। और जो माता का रुधिर वर्ग है वो है बी, ठीक है। जब इन दोनों के बीच संकरण होगा तो जो रुधिर वर्ग मिलेगा कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, तो संतान का जो रुधिर वर्ग होगा ए बी होगा। तो यहां पर जो पिता का रुधिर वर्ग है वो और जो माता का रुधिर वर्ग है वो दोनों अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो नियम होगा वो होगा सहप्रभाविता का नियम। क्या होगा? सहप्रभाविता का नियम। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो आज की क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। सो दोस्तों क्लास समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और क्लास को आप ज्वाइन करके पढ़ सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।